आदाब नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन के सिंप्लीफिकेशन के शॉर्टकट टेक्निक्स होते हैं। इसको सिखाने के लिए मैं सैयद मुताहिर मोहियुद्दीन आपके लिए लाया हूँ ये वीडियो सीरीज, जिसमें हम लेसन बाय लेसन ये शॉर्टकट टेक्निक्स मल्टीप्लिकेशन के और सिंप्लीफिकेशन के बेहतरीन तरीके सीखेंगे। तो मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट होने के लिए हमारे बच्चों को ये बेहतरीन मौका है सीखने के लिए। हम आप पेरेंट्स से भी इल्तिजा करते हैं कि आप भी ये छोटे छोटे मेथड सीखिए और बच्चों को सिखाइए। हमारी वीडियो लेसन 10 मिनट से ज़्यादा कभी की नहीं होगी। तो चलो हम सिंप्लीफिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट टेक्निक, जिसमें माइक्रोसेकंड्स में आंसर आते हैं, सीखते हैं। लेसन 1 हो चुका है, लेसन 2 की तरफ हम चल रहे हैं। बिल्कुल, ये लेसन 2 है। लेसन 2 के अंदर हम जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर विद बेस मेथड। ये बहुत बहुत बेहतरीन मेथड है, जिससे हम 2 डिजिट के या 3 डिजिट के या इससे भी बड़े नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन बआसानी कर पाएंगे। ये मेथड को बहुत अच्छे से सीखना है। मैं स्टूडेंट्स से इल्तिजा करता हूँ, ये जितने भी मेथड हम सीख रहे हैं एक नोट्स मेंटेन करिए, ताकि तमाम टेक्निक्स को आप एक जगह जमा कर रखें। तो लिहाजा चलिए हम समझाते हैं आपको ये कैसे होता है। यहाँ पर हमने 2 डिजिट नंबर को लिया है 19 times 18। ये बेस मेथड हम ले रहे हैं। बेस मेथड ये कैसा होता है, बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है इसको। बेस मेथड में हम ये 19 18, इसके करीब तरीन एक बेस को चुन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेस 10 ले लेते हैं, तो ये हुआ मेरा बेस। इससे ये 19 कितना बड़ा हुआ है ऊपर लिखना है हमको, और ये बेस से 18 कितना बड़ा हुआ है इसके ऊपर लिख देना है। यानी 19 10 से 9 बढ़कर है और 18 10 से 8 बढ़कर है, तो हम इसको ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद हमको क्या करना है, ये क्रॉस चेक करना है कि दोनों को ऐड करने पर हमें सेम आंसर आता है या नहीं। अगर आ रहा है तो हमने सही किया, और हमेशा ये सेम आता है। अगर हमने बेस सही से सेलेक्ट कर लिया है तो हम इसे क्रॉस चेक करने पर सेम आंसर आता है। तो 18 और 9 को हम ऐड करेंगे तो 27, 19 और 8 को भी ऐड करेंगे 27। तो वो जो 27 हुआ है ऐसा क्रॉस ऐड करने पर, ऐसा क्रॉस ऐड करने पर हमको जो 27 हुआ है, वो 27 को क्या हुआ है हमको 27, हमको 27 ये बेस से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आसान है क्योंकि 10 हमने बेस चुना है, तो 27 और 10 बहुत आसान से हम कर सकते हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 9 times 8। तो 9 times 8 हम जब करेंगे तो हमको हो जाएगा बराबर 72। हम लिख देंगे यहाँ पर 72। उसके बाद ये 72 को हम इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 342 इज द आंसर। ऐसे ही आप के लिए मैं और एक नंबर लिखता हूँ, 13 times 17। अगेन बेस 10 हम लेते हैं, बेस 10 है हमारा, उसको देखते हैं ये 13 10 से कितना बड़ा हुआ है ऊपर लिखते हैं, 17 10 से कितना बड़ा हुआ है इधर लिखते हैं। इसे क्रॉस जब ऐड करेंगे 13 और 7 20 हो जाएगा, 17 और 3 ऐसे भी ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। हमको वो 20 और ये बेस 10 को ऐड मल्टीप्लाई करना है, तो एक्जैक्टली हो जाएगा 200। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 times 3 और यहाँ पर लिख देंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर रेडी। ऐसे आपको जो है ना एक 5-6 नंबर्स आप अपने खुद से डालिए, चेक करिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ऑर्डर करने स्टार्ट कर दीजिए, आपका ये बेस 10 वाला मल्टीप्लिकेशन आसानी से सीख जाएंगे। तो कैसा था मेथड, अच्छे से सीख पाए, सीख जाइए और फिर आगे के लेसन्स के लिए तैयारी कर लीजिए। चलिए एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम लेते हैं 17 into 19, मगर हम यहाँ पर बेस 10 नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों भी 20 के करीब है, तो हम बेस लेते हैं 20। 20 से ये है 3 नंबर्स छोटा, 19 है 20 से 1 स्मॉलर। तो अगर ये छोटे हैं तब हमको क्या करना है, माइनस करना है। अगर ये 20 से बड़े हुए हैं तो वो प्लस नंबर्स होंगे। तो जैसे ही हम अगर क्रॉस ऐड करके देखेंगे तो ये 16 हो गया, ऐसा भी 16 हो गया, तो वो वाला 16 को हम ये वाले से मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, तो एग्जैक्टली हो जाएगा 320। और ये जो
माइनस थ्री माइनस वन है, इनको भी मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस थ्री इंटू माइनस वन हो जाएगा एग्जैक्टली थ्री, हम दोनों को ऐड कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन होते हैं। अगर आप बेस टेन लिए तब भी आंसर आएगा, बेस ट्वेंटी लिए तब भी आंसर आएगा, बेस अगर कुछ दूसरा लिए तब भी आंसर आएगा। लिहाजा हम और एक बेस लेके आपको बताते हैं ये कैसे होता है। यहाँ पर लेकर आते हैं एक बेस 50 वाले क्वेश्चन। सो लेते हैं 5 3 टाइम्स 5 9 और बेस बनाते हैं 50 को। जब बेस बनाते हैं 50 को तो देखते हैं 50 से ये कितना बड़े हुआ है, प्लस 3, और ये 50 को हम प्लस 9 करेंगे तो 59 हो जाएगा। क्रॉस ऐड करके देखिए कितना नंबर हो रहा है, 53 और 9 ये एग्जैक्टली 62 हो जाता है। तो हम ये 62 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्टली हो जाएगा 3100। और इसके बाद हम ये 9 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और ऐड कर देंगे तो एग्जैक्टली बन जाएगा 3127 इसका आंसर। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इन दैट 75 टाइम्स 76 वाला क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे कर पाते हैं देखिए। 75 को हम, चलिए ये 75 76 का हम बेस बनाते हैं 70 यहाँ लिखते हैं, और ये 5 वर्कर है, ये 6 वर्कर है। ऐसे क्रॉस ऐड करने पर ये 75 और 6 81 हो जाता है, ऐसा अभी ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा। आप 81 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर ज़ीरो रहने से मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। 81 टाइम्स 7 बहुत इजी है, 7 1 7 8 7 56, तो ये हो जाएगा इतना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 5 30 हो जाएगा, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो एग्जैक्टली 5700 आंसर है। तो ये मेथड के अंदर दो स्टेप्स है, आपको अपना बेस चूज करना है अपने से, और वो बेस से ये नंबर कितने बड़े हुए हैं तो वो लिखना है आपको ऊपर, और फिर क्रॉस ऐड करने पर आपको एक नंबर आएगा, वो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐसे करने से आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत जल्दी से आ जाएगा। ये वैदिक मैथमेटिक्स के टेक्निक्स हैं और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड और बहुत फास्ट कैलकुलेशन के टेक्निक्स है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मैं जो बिलो क्वेश्चंस डाल रहा हूँ उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट लेसन के लिए वेट करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी नाइसली, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस एंड थैंक यू वेरी मच। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ले लीजिए, इसके आंसर्स ये बेस मेथड से लाइए, और इसके अंदर अगर कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो फिर हमें कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह वहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड एंजॉयिंग दिस लेसन्स। इफ़ यू डोंट वांट टू मिस दिस लेसन, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मुताहिर्स एजुकेशन एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।